वर्ग दशम का सब्जेक्ट है फिजिक्स है, जिसका चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में गोलीय दर्पण से दर्पण सूत्र स्थापित करना है, या गोलीय दर्पण से 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v इसे सिद्ध करना है। तो ये चित्र अवतल दर्पण है, ये मेन एक अवतल दर्पण है, और ये PB जो है मुख अक्ष है, और इस मुख अक्ष पर ये भी कोई वस्तु स्थित है, और इसे प्रकाश की किरण निकलती है और दर्पण के डी बिंदु पर आपतित होती है। दर्पण के डी बिंदु पर आपतित होती है, और आपतित होने के बाद मुख फोकस से होकर किरणें परावर्तित होती है, और वस्तु से अन्य किरणें हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तित किरण को ए बिंदु पर काट देती है। तो ए बिंदु पर वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश वास्तविक और उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अब चिन्ह परिपाटी से ये दिखाया जा सकता है कि गोलीय दर्पण से ए बी रखा हुआ है, तो वस्तु की दूरी पी बी हुआ। गोलीय दर्पण से पी बी वस्तु की दूरी है जो यू के बराबर है, और ये दर्पण के बाएं साइड में है, इसलिए यू बराबर माइनस यू होगा। अब गोलीय दर्पण की ध्रुव से पी 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 से पी सी एक वक्रता त्रिज्या है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या आर बराबर -2f के बराबर होगा, दुगनी फोकस दूरी के बराबर होगा, और देखिए प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश बिंदु पर। तब ध्रुव से नापा जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, तो पी बी डैश बराबर माइनस भी होगा, क्योंकि यह भी गोलीय दर्पण के बाएं साइड में, इसलिए माइनस होगा। और फोकस दूरी पी एफ है, देखिए क्योंकि मुख फोकस एफ से होकर किरणें परावर्तित होती है, तो ध्रुव के पी बिंदु से पी एफ बराबर -1 होगा फोकस दूरी। अब देखिए इसमें चार ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी बन रहा है, और ए डैश बी डैश सी, और एक डी पी एफ बन रहा, और ए डैश बी डैश एफ बन रहा। तो दो दो त्रिभुज लेकर इसको सर्वांशन करेंगे, एक ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी है। देखिए यहाँ लिखे हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाए, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं। ये भी अनुपात होगा ए डैश बी डैश, देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी, देखिए ए बी सी भुजा बी डैश सी के अनुपात होगा। ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए बी सी, कोई देखिए कोई दूरी नहीं है, न वस्तु की दूरी है न प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये बी सी निकालेंगे, पी बी डैश में पी सी घटा देगा, पी बी घटाओ पी सी, और बी डैश सी भी कोई दूरी नहीं है, इसलिए पी सी में से पी बी डैश घटाएंगे। तो पी बी देखिए -1 के बराबर है, और पी सी -2f के बराबर है, और पी सी -2f है, और पी बी डैश भी है, तो इसको चेंज करेंगे ब्रैकेट से, तो -u+2f और 2f -2f प्लस भी समीकरण 1 होगा। आप देखिए ए डी पी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में लेकर चलेंगे, देखिए लिखा हुआ है दोनों त्रिभुज को समरूप किए, और जब समरूप करेंगे तो ये डी पी भुजा जो है ए डैश बी डैश के अनुपात में होगा, और पी एफ होगा बी डैश एफ के अनुपात में होगा। लिखा हुआ है पी एफ बराबर, पी एफ होकर दूरी है, और बी डैश एफ कोई दूरी नहीं है, तो पी बी डैश में पी एफ घटा देंगे, पी एफ जो है -1 के बराबर है, और पी बी डैश -v, और पी एफ है -1 के बराबर है, तो -1 बटे एफ -v होगा। किंतु डी पी जो है ये देखिए, डी पी जो है ए बी के बराबर है, तो डी पी की जगह ए बी लिखेंगे, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर -1 बटे एफ -v, ये इक्वेशन 2 होगा। अब समीकरण 1 है,
वन और टू को तुलना करेंगे, तुलना करने से दोनों का मान लिख करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस यू प्लस टू एफ इंटू भी एफ माइनस भी बराबर माइनस एट माइनस टू एफ प्लस भी। अब इसको गुना करके दिखाएंगे तो माइनस यू एफ प्लस टू एफ स्क्वायर प्लस यू भी माइनस टू भी एफ, और इसको एफ से गुना करेंगे तो टू एफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस भी एफ होगा। माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस टू भी एफ और माइनस भी एफ होगा टू एफ स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस प्लस कट कर जीरो हो जाएगा। अब इसको माइनस से चेंज करेंगे तो यू भी बराबर यू एफ प्लस टू भी एफ माइनस भी एफ, यू भी बराबर यू एफ प्लस भी एफ। आप दोनों तरफ है जो इक्वेशन आया उसको दोनों तरफ जो है यू भी एफ से भाग दिया जाएगा, तो भाग देने पर यू भी कट जाएगा तो वन बटे एफ आएगा, और इसमें यू एफ कटेगा तब वन बटे भी आएगा, और इसमें भी एफ कटेगा तो वन बटे यू आएगा। तो यही दर्पण सूत्र ज्ञात हुआ है वन बटे एफ बराबर वन बटे भी प्लस वन बटे यू। तो गोली दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में अगर संबंध बताने के लिए आएगा तो यही ज्ञात होगा वन बटे एफ बराबर वन बटे भी प्लस वन बटे यू। ये प्रूफ किया गया या संबंध बताया गया।